सर्दियों के मौसम में तीखी हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म हरे मटर का पराठा तो हम सबका फेवरेट होता है। तो आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि हरे मटर का परफेक्ट पराठा कैसे बनता है, वो मैंने बताया है जिसमें स्टफिंग एकदम बराबर हो। तो चलिए आज के मटर के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। गैस ऑन करके एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन और प्याज डालेंगे। तो पहले इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दें। लहसुन और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे लहसुन हल्का सा पक गया है, अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और प्याज को हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिला देंगे। प्याज को हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें हरा मटर डाल देंगे। तो 1 कप फ्रेश मटर मैंने यूज़ किया है, धो लिया इसे अच्छे से। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो इसे ऐसे थोड़ा छोड़ दें ताकि पक जाए। और यहाँ पे मटर जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाला ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालना है। तो यहाँ पे गरम मसाला डाला मैंने, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, मिला देंगे इसे एक बार। नमक और मसाला डालने के बाद हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखें यहाँ पे और ये हमारा मटर जो है वो अच्छे से पक गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो गैस को बंद किया मैंने और इसे ठंडा कर ले। जैसे ये मटर ठंडा हो जाएगा हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसके बाद हम इसे ढक्कन बंद करके ब्लेंड कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और ये हमारा मटर का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल के अलग रख देंगे एक बर्तन में। तो ये हमारा मटर का स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस में। तो 2 कप मैंने आटा लिया है, इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला दें इन दोनों को अच्छे से। जैसे ही नमक और तेल जो है वो आटा में मिक्स हो जाएगा हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो डो जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएं। अगर आप कड़ा डो बनाएंगे तो मटर जो है वो रोल करते वक्त, मतलब जब आप स्टफिंग करेंगे ना, तो वो बाहर निकल जाएगा फट के। अगर डो को आप नरम रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से स्टफ होगा। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके रखी है। यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक लोई बना लेंगे। लोई को रोल करने से पहले थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे स्प्रिंकल करें और उसके बाद इसे ऐसे हथेलियों से फ्लैट कर लें। अब हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे बेल लें, जितनी बड़ी पूरी होती है ना उतना ही बड़ा रोल करें और उसके बाद इसके सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे। तो मैं यहाँ पे मटर की स्टफिंग ज़्यादा करूँगी, अगर आपको स्टफिंग में प्रॉब्लम है तो मटर कम स्टफ करें। तो ऐसे लड्डू जैसा बना के उसके बाद सेंटर में रख दें और किनारों को ऐसे जैसे मोदक या मोमो बनाते हैं वैसे ही सारे प्लेट्स एक जगह ले आएंगे और उसके बाद ऐसे दबा दें। फिर ऊपर का जो एक्स्ट्रा डो है वो निकाल के और इसे ऐसे बंद कर देंगे। फिर हल्के हाथों इसे ऐसे चपटा कर लें। पहले हम हथेलियों से ऐसे इसे चपटा करके स्प्रेड कर देंगे ताकि मटर जो है वो हर कोने में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसके बाद इसे बहुत ही हल्के हाथों आपको रोल करना होगा। अगर आप तेज़ी से रोल करेंगे तो ये पराठा जो है वो फट जाएगा। ये देखिए, इसे इतना ही रोल करें कि दूसरे साइड या एक साइड से ऐसे मटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होकर दिखने लगे। तो इसका मतलब पराठा जो है वो बहुत अच्छे से स्टफ हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे मैं निकाल देती हूँ और सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा रोल कर लेंगे। तो जितना बड़ा पराठा चाहिए उस हिसाब से आप लोई लें, उसके बाद ऐसे सूखा आटा लगाएं। आप चाहे तो इस पराठे को मैदे से भी बना सकते हैं, मैदे में भी ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल किया, इसके बाद ये स्टफिंग डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्टफिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की है ताकि पराठा जो है वो ज़्यादा टेस्टी बने, मतलब आटा का टेस्ट नहीं आए, सिर्फ मटर का ही टेस्ट आए। तो यहाँ पे एक जगह ला के ऊपर का जो एक्स्ट्रा डो है वो ऐसे निकाल लें और उसके बाद ऐसे घुमाते हुए इसे चपटा कर लें। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे स्प्रिंकल करके और इसे पहले हाथों से ऐसे चपटा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके एक तवा गरम किया है मैंने, तवे के ऊपर ये पराठा डाल दें और थोड़ा सा पकने के बाद हम इसे पलट देंगे। फिर इसके ऊपर हम घी या तेल लगाएंगे, जो भी आपको पसंद है आप वो लगाएं। तो यहाँ पर मैंने घी लगाया है। फिर इसके बाद वापस इसे पलटेंगे और दोनों साइड से ऐसे घी लगा के हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें यहाँ पे।
जैसे ही पराठा जो है वो दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मटर जो है वो एकदम अच्छे से स्प्रेड हुआ है पराठे के अंदर, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और दोनों साइड ऐसे घी या तेल लगा के आप इसे अच्छे से सेक लें जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन लेयर नहीं दिखने लगे। और यहाँ पे ये जो पराठा है वो थोड़ा फूल भी रहा है, ये देखिए। तो इसे हम दोनों साइड से ऐसे पलट के अच्छे से सेक लेंगे और ये हमारा दूसरा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ इस प्लेट में और अब हम चलते हैं इसके सर्विंग के प्रोसेस में। तो आप चाहें तो इस पराठे को ऐसे खाएं या फिर तीखी धनिया पत्ता की हरी चटनी के साथ खाएं, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो सर्दियों के मौसम में हरे मटर का पराठा किसे नहीं अच्छा लगता, तो आप इस हरे मटर के पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैं ऐसे पराठे को तोड़ के दिखाती हूँ कि मटर जो है वो अंदर अच्छे से स्प्रेड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मटर स्प्रेड हुआ है। तो आप इस मटर पराठा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।